तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चौड़ा मैदान से, जहां पर JIT 817 और उसके अलावा दूसरे जो पोस्ट कोड हैं जिनके रिजल्ट जो हैं वो लटके पड़े हैं, उनके अभ्यर्थी यहां पर अपना विरोध जो है वो जाहिर कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। हालांकि भूख हड़ताल भी चल रही है, लेकिन आज इस तरह से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है तो पहले दिन ही अभ्यर्थियों ने यहाँ पर घेराव कर दिया है और सरकार के खिलाफ आप देख सकते हैं नारेबाजी जो है यहाँ पर की जा रही है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरें, नारेबाजी सरकार के खिलाफ की जा रही है। जिस तरह से JIT 817 का जो रिजल्ट है वो लंबे अरसे से लटका हुआ है, उसके खिलाफ ये विरोध यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। हल नहीं निकलेगा तो हमारा एक ही डिसीजन है, जब तक हल नहीं निकलता है हम यहाँ आमरण हलचल के लिए भी तैयार बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आपसे आज वो हम रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं हम यहाँ मरने के लिए भी तैयार हैं। तो आज जो है सेशन भी यहाँ शुरू हो चुका है, कैबिनेट भी आज होनी है, आपको उम्मीद है? अगर उम्मीद नहीं हो सकती है कि कोई आपसे भी बात करने के लिए नहीं आया हुआ? देखिए साहब, उम्मीद पे दुनिया भर हमें मालिक का विश्वास है कि आज नहीं तो हमारा काम कल हो जाएगा, क्योंकि भगवान की दया है, देर है, अंधेर नहीं है। अब तब से 4-5 साल अगर हमारे उम्मीद करते करते हो गई है, हमने पेशेंस लेवल बना रखा है, अभी भी हम पेशेंस बनाए रखे हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं ताकि हमारा रिजल्ट आप जल्द से जल्द घोषित करें। जिस तरह से OPS को बहाल किया, जिस तरह से आपने तुरंत प्रभाव से हमीरपुर बोर्ड को बंद किया, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है हमारा जो ये रिजल्ट है इसे भी आप तुरंत प्रभाव से बहाल करें। आपसे हम विनती करते हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, हजारों परिवारों की दुआएं मिलेंगी आपको, ये हजारों परिवार आपकी वजह से यहाँ पे बैठा हुआ है। इस कम से कम बाकी ठंड में हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का, इसको हमारे घर वालों ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया होता है, लिखाया होता है, अच्छी परवरिश की होती है, ये दिन देखने के लिए नहीं। हम घर यहाँ से कल पर हमने क्रमिक अंचल स्टार्ट किया है, इसलिए क्यों हमारे घर में क्या है मध्यप्रदेश आप हमें बताएं। हमने ये घर हमने पेपर है वो पास किया, हमने पेपर पास करने के लिए 2-3 साले लगा दी, वो हमारी गलती है। जो जिन्होंने गलती की है उन्हें सजा दो ना, जो कल्प्रिट है उन्हें सजा दो आप। हम किस बात के लिए यहाँ पे, किस बात के लिए यहाँ पे जो ठंड है सहन कर रहे हैं, ये किस बात की गलती का है, हमारे को फल मिल रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा जो ये रिजल्ट है करते हैं, अगर फिर भी आपसे ये नहीं हो रहा है आप हमें कह दे दें या फिर जेल में डाल दें या फिर जाकर आप बता सकते पुलिस ही उठा दें। चलिए देखिए जो रिजल्ट के इंतजार में है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो मिट्टी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपना हक मांगता नहीं किसी से भीख मांगता, अपना हक मांगता नहीं किसी से भीख मांगता। देखिए आप देख रहे हैं तस्वीरें सरकार के खिलाफ के यहाँ पर रोष अपना जाहिर कर रहे हैं। इस तरह से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
आपको जो बंद करो बंद करो पिछले 4 सालों से हमारी सरकार आज जब ये चीज सर के ऊपर आई है तो आज हम इस रहे हैं कि आज हमें धरना प्रदर्शन इस लेवल का करना पड़ रहा है। आज दिन तक हम कम से कम 10 से 12 बार सीएम साहब से मिल चुके हैं और सीएम साहब से हमें सर एक ही लिया कि सर जल्दी से जल्दी जो है लंबित परिणाम है उसको आप घोषित कर दो, पर अब सीएम साहब से कभी कोई स्टेप नहीं लिया गया है। कभी सीएम साहब कहते हैं कि मिनिस्टर जो है वो नहीं मान रहे हैं, अब उन्होंने एक नई कमेटी का जो गठन किया था जब कांग्रेस सरकार विपक्ष में थी उस समय जब बीजेपी की सरकार उस कमेटी गठित करती, ये लोग कहते थे कि कमेटी जो सब कमेटी का जो गठन होता है तब किया जाता है, किसी चीज को रखा ना हो। तो आप हम इस चीज से क्या समझे सरकार क्या हमारे परिणामों को लटकाना चाहती है, तो हम आज हम और हम आज इस उस पर पहुंचे कि आज मैं इस लेवल की रैली यहाँ पे करने जा रहा हूँ। सर हम लोग जो है लाइब्रेरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम लोगों को ये चीज़ें शोभा नहीं देती है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सारे राजनीतिक दल और या कुछ लोग जो है करते हैं, ठीक है। हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम है पेपर पास करना, हमारा काम है ऑफिस में बैठ के जो है जनरल मास्टर्स की सेवा करना। पर आज सर दुर्दशा प्रदेश की ऐसी हो चुकी है कि उसी पे तो हम साथ नहीं बन पा रहे हैं। ऐसी ठंड में -10 डिग्री में शिमला में बैठकर ये आंदोलन कर रहे हैं अपने रिजल्ट को, तो इससे दुर्भाग्य का हूँ इस प्रदेश को लेकर कुछ भी नहीं हो सकता है। हिमाचल का लिटरेचर मैं कहता हूँ उसके एंट्री एजुकेशन में नंबर 1 है पूरे इंडिया में, उसके पास सर उसके बावजूद इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद सर ये काम करना पड़ता है। नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे एक बहुत नहीं किसी से भी कमांगता शर्म करो शर्म करो। तो जिस तरह से आपने सुना आंदोलन जो है वो रिजल्ट के लिए करना पड़ रहा है और ये देख सकते हैं आप जेआरटी 817 के अलावा 980 पोस्ट कोड भी है जिनका रिजल्ट पेंडिंग में है। नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तो फिलहाल के लिए आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं, ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे, आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।